Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106, or 2342-1050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. Namaskar. Aarthik Khabron ke karyakram Market Mantra mein aapka swagat hai. रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। आज शनिवार है और हरेक शनिवार की तरह आज हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। श्रोताओं, आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक या इससे जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए हमारे सीधे नंबर हैं 2331-4444 और 2371-7106। हमारा तीसरा नंबर है 2342-1050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 भी डायल करें। स्टूडियो में आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम शरद। नमस्कार अमरीश, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। एड्रेसिंग द G20 एंटी करप्शन मिनिस्टीरियल मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडिया हैज अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर सेज इंडिया इज ट्राइंग टू पुट फोर्थ कंसर्न्स ऑफ ग्लोबल साउथ एट द वर्ल्ड स्टेज थ्रू G20 मीटिंग्स। And on Wall Street, key indices end mixed on hotter than expected producer prices data. G20 भ्रष्टाचार रोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत भ्रष्टाचार को कतई न बर्दाश्त करने की कड़ी नीति का पालन करता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि G20 बैठकों के माध्यम से भारत विश्व के मंच पर विकासशील देशों के मुद्दों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और अमेरिका में मुद्रास्फीति में उम्मीद से ज्यादा तेजी के चलते वॉल स्ट्रीट में मुख्य सूचकांकों ने मिला जुला प्रदर्शन किया। और आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत की कतई न बर्दाश्त करने की कड़ी नीति है। उन्होंने लोगों से भ्रष्टाचार से सामूहिक रूप से निपटने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने आज कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार रोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत शासन में भ्रष्टाचार समाप्त करने और पारदर्शिता लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि भारत पारदर्शी और जिम्मेदार पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस का उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का प्रभाव ज्यादातर गरीबों और वंचित लोगों पर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार संसाधनों के आवंटन और बाजारों को प्रभावित करता है तथा लोगों के गुणवत्तापूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार आर्थिक अपराधियों से कड़ाई से निपट रही है और इसके लिए आर्थिक अपराध नियम बनाया गया है। इस कानून के माध्यम से आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों से 1 अरब 80 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद की गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कल्याण कार्यक्रमों की कमियों को दूर कर दिया गया है और 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की राशि प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से लोगों को दी गई है। शरद जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने कही है और भ्रष्टाचार के बारे में जो उनकी प्रतिबद्धता है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। तो भ्रष्टाचार और हमारा पूरा जो प्रशासन का तंत्र है और जो आर्थिक स्थितियों में किस तरह से उससे जुड़ा हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार मैं मानता हूं कि अवरोधक है किसी भी देश की प्रगति में, और भ्रष्टाचार यहां भारत में हम देखें तो बहुत जगह जड़ों में घुसा हुआ था आजादी के बाद से हमने देखा, और मुझे लग रहा है वर्तमान सरकार जो है एक मुहिम उन्होंने चलाई भ्रष्टाचार मुक्त करने की, और इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसको हटाते हटाते वक्त लगता है। बहुत हद तक सफलता मिली है और मुझे उम्मीद है कि जो सरकार की मंशा है और सरकार की मुहिम है, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की तरफ शीघ्रता से बढ़ रहे हैं। We have two callers online with us, one from Kolkata and the other from Delhi. First, we go to Kolkata. Atanu is with us. A warm welcome. Please ask your question. Good evening, sir. Good evening. Good evening to everybody, sir. Sir, my question, Atanu from Kolkata. My question is that what is common education and what is financial education? The question is that is this any different between common education and financial education? Thank you, sir. Well, common education is, I suppose, what you mean is education in general, what is given at the school level to all the children. And then, of course, up to class 10, it's common education. And then after class 11, as per the Indian CBSE curriculum, you're supposed to choose your stream. You choose either science or commerce or humanities. These days you can also choose in combination with different. And I think financial education, Mr. Atanu, is education which is specifically related to finance. And I don't think financial education as such comes at school level, because school level is called commerce education. But finance education term is used when you specialize in finance, which I think can be pursued at the graduation level or post-graduation level or at a professional level. So that is the difference when you read specialized subjects about related to finance, which includes so many things, which includes accounting, which includes taxation, which includes advanced financial management, which includes international financial management. Finance has a very wide connotation. So when you read specialized subjects relating to finance, it is called finance education. Otherwise, at the school level, I suppose that's what you mean by common education. Yeah. और दिल्ली से हमारे श्रोता योगेश लाइन पे हैं। योगेश, नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, सर जी को नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा शो पे आने के लिए। दूसरा सर, मेरा सवाल ये है कि एक कोट है बहुत फेमस कि अगर एक आम इंसान को, नागरिकों को पता लग जाए कि बैंक कैसे फंक्शन करते हैं तो नेक्स्ट डे बैंक जो है बैंकरप्ट हो सकते हैं। तो जो हम लोग लोन पे इतना ज्यादा हम लोन को बुरा मानते हैं वैसे एक डिटेल इन्वेस्टर के लिए ज्यादा लोन्स को, लेकिन हम क्या लोन्स की इकोनॉमी के लिए भी जरूरत है? क्या इकोनॉमी के लोन्स को अच्छा माना जाता है दूसरे हाथ पे? नहीं योगेश, पहले तो आपने जो कहावत बोली कि बैंक के लोग अगर अंदर को जान जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो योगेश बहुत ट्रांसपेरेंसी है और बैंक की फंक्शनिंग कोई इतनी मिस्टीरियस फंक्शनिंग नहीं है कि उसमें आप ऐसा जाने तो आप उसको बुरा कहेंगे, आप लोन लेना बंद कर देंगे, कुछ ऐसा नहीं है। बैंक की आजकल सब कुछ है। मैं योगेश बताना चाहूंगा कि पब्लिक डोमेन में होता है, ज्यादातर बड़े बैंक लिस्टेड बैंक हैं, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं हर 3 महीने बाद बैंक्स को अपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स स्टॉक एक्सचेंजेस को देने पड़ते हैं। इसके अलावा क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, वो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, उनका संसद में भी उनका डिस्कशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी होता है। अब आजकल तो, और जब से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया है, तो मुझे लगता है कि सभी के लिए, एक आम नागरिक के लिए भी हर इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। तो पहली बात तो वो जो कहावत थी शायद वो मुझे आउटडेटेड सी लगती है कि पुरानी कहावत होगी, अब आजकल वैसा नहीं है। दूसरा आपने पूछा लोन को बुरा मानते हैं, देखिए लोन तो कोई बुरा नहीं है, बैंक की तो मेन बिजनेस ही लोन देने का है, उनकी जो आय होती है, जो रेवेन्यू होता है, वो लोन से ही होता है। तो अगर वो लोन देना बंद कर देंगे और उसको बुरा मान के चलेंगे, जहां तक लोगों की बात है, पुराना परसेप्शन है, जब साहूकार हुआ करते थे एक जमाने, मुझे याद है पुरानी फिल्मों में हम देखते थे कि साहूकार है, उसने उधार ले रखा है, तो उसको थोड़ा सा बुरा माना जाता था, कभी उधार के नीचे दबे हुए हैं वगैरह वगैरह, आपको वो सीन पुरानी फिल्मों के याद आते होंगे। पर अब लोन लेना एक बहुत कंस्ट्रक्टिव फाइनेंस का तरीका है, और ज्यादातर मैं आपको बता दूं, ज्यादातर इंडस्ट्रियल हाउसेज, बड़े हाउसेज, बड़े बिजनेसेस, शायद ही कोई होगा जिसने कोई बैंक से
किसी न किसी प्रकार का लोन नहीं लिया हुआ। तो ये भी मुझे लगता है योगेश एक पुरानी थिंकिंग है कि लोन बुरे हैं, कर्जा बुरा है। आप कर्जे के सहारे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं योगेश, के कर्जे के सहारे बहुत सारे बिजनेसेस ने बहुत जबरदस्त ग्रोथ की और वो कर्जों की सर्विसिंग भी प्रॉपर करते हैं, समय पे इंटरेस्ट देते हैं, समय पे रीपेमेंट करते हैं। एक्सेप्शन हो सकते हैं इधर उधर, पर ये दोनों चीजें योगेश, आप मुझे लग रहा है आज आप रेट्रो चले गए हैं, आप बहुत पुराने जमाने में चले गए। आपने जो दोनों बातें कही ठीक है, पर वो बहुत पुराने जमाने की बातें हैं। अब जमाना जो है योगेश बदल चुका है जी। और कोलकाता से हमारे श्रोता विकास लाइन पे हैं। विकास नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार, मार्केट मंत्रा टीम का सभी को नमस्कार। नमस्कार जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, और प्राइवेट सेक्टर बैंक इतना डाउन की है, और डिफेंस सेक्टर में मैं 10 या 10 साल का नजरिया रखता हूँ, तीनों सेक्टर कैसा रहेगा सर? विकास, बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि बायबैक जब भी कोई कंपनी निकालती है तो बहुत ल्यूक्रेटिव टर्म्स पे निकालती है, बहुत आकर्षित करने वाला होता है। मतलब उसमें जो कीमत निकाली जाती है, जनरली देखा गया है, अगर मैं पिछले 10-20 बायबैक्स उठा के देखूं तो जो मार्केट प्राइस है उसकी उसी के आसपास है, उससे कई दफे तो उससे बेहतर निकाला जाता है, जिससे कि लोगों के लिए लुभावना बन जाए। तो बायबैक में बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप बायबैक में लेके पैसे ले लीजिए, उसके बाद आप वापस शेयर को खरीद सकते हैं, जब जब करेक्शन आए उसमें ले सकते हैं। डिफेंस सेक्टर बिल्कुल, मैं खुद स्वयं डिफेंस सेक्टर के बारे में बहुत बहुत बताता हूं। मेरे से जब सेक्टर्स पूछे जाते हैं तो उसमें से सबसे ऊपर आने वाले सेक्टर्स में मैं डिफेंस सेक्टर को रखता हूं। मुझे लगता है कि आज 16-17 हजार करोड़ का हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट हो चुका है। मैं कल ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के डीजीएम के और कंसल्टेंट्स के साथ था, उन्होंने मुझे बताया कि हम नट बोल्ट तक यहां नहीं बनाते थे, आज हम हवाई जहाज तक, लड़ाकू विमान तक बना रहे हैं, टैंक्स बन रहे हैं यहां पर, ड्रोन्स बन रहे हैं, तो मिसाइल्स बन रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि डिफेंस सेक्टर एक उदयीमान सेक्टर है, और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन विकास इस समय दुनिया में बनी हुई है उसको देख के भी लगता है कि डिफेंस सेक्टर में बहुत प्रगति होगी आगे, और भारत, दुनिया भर के देश भारत की ओर देखेंगे अपने आयात के लिए। तो मुझे डिफेंस सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। आपने अवधि भी बहुत अच्छी रखी है, 10 साल। 10 साल क्या, मैं तो कहता हूं आप अगले 5 साल भी अगर लेके चलेंगे तो आपको ये बहुत मुनाफा देगा। तीसरा एक इनका और, इन्होंने किसी सेक्टर का जिक्र किया था जो ठीक से शायद सुनाई नहीं दिया, उसके लिए विकास आप अगली बार दोबारा पूछेगा जी। फ्रॉम चेन्नई वेयर जॉइंड इन बाय काशीनाथ, वार्म वेलकम काशीनाथ। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम सर। गुड इवनिंग, व्हाट्स योर क्वेश्चन सर? क्वेश्चन ये क्या है कि जो अंग्रेज में कोहली सर से मेरा सवाल यह है कि जो हमारा जीनियस है बोलते हैं अंग्रेजी में जी, उसका बारे में थोड़ा हिंदी से अच्छी एग्जाम्पल, क्या हम आपको भी जीनियस बोल सकते हैं, या अगर नहीं तो एक दो उदाहरण अभी हमारे जीनियस के, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं, जीनियस कौन होता है? आई थिंक वी हैव लॉस्ट टच विद हिम। कुछ काशीनाथ जी, आपके जो पूरा, मुझे लग रहा है हमें सभी श्रोताओं को मैं राजेश और अम्बरीश की इजाजत लेते हुए प्रार्थना करूंगा कि अपने रेडियो सेट्स आप ऑफ रखा करें, उनकी वॉल्यूम डाउन कर दिया करें, क्योंकि होता क्या है, आप अपनी आवाज सुनने के लिए तो अच्छा तो लगता है पर वो एको होके आती है, तो उससे आप ही की आवाज साफ नहीं आती है। तो होगा क्या कि रेडियो पे सुनेंगे पर आप ही आप होंगे, जवाब आप नहीं सुन पाएंगे। तो अभी बहुत क्लियर नहीं थे काशीनाथ जी जो शब्द, दोबारा मौका लगेगा आप पूछेगा, बिल्कुल भी शब्द स्पष्ट नहीं थे, हम लोग जितने स्टूडियो में बैठे किसी को भी स्पष्ट नहीं हो पाए जी। और जयपुर से हमारे श्रोता जितेंद्र लाइन पे हैं। जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। थैंक यू। हाँ, ये बोला सर रिटर्न ऑफ एसेट्स के बारे में तो आप समझाएं, और कैश फ्लो के बारे में। रिटर्न ऑन, रिटर्न ऑफ एसेट्स, आरओए, रिटर्न ऑफ एसेट्स। नॉर्मली जितेंद्र, हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, आरओआई जिसको हम बोलते हैं, पर ठीक है आप इसको रिटर्न ऑफ एसेट्स में समझा जाते हैं। तो रिटर्न ऑफ एसेट्स का अर्थ ये होता है जितेंद्र के, जब भी हम किसी बड़े एसेट में निवेश करते हैं या उसको खरीदते हैं, मान लीजिए मैं उदाहरण लेता हूं एक फैक्ट्री का, उसने मान लीजिए 5 करोड़ रुपए की एक मशीनरी खरीदी, उसका वो एसेट हो गया। अब वो मशीनरी उसके लिए कितने वर्ष तक काम कर रही है, 5 साल या 10 साल, उसकी कितनी लाइफ है, एक तो ये देखा जाएगा, और उस मशीनरी से कंपनी को उसके जरिए कितना मुनाफा हो रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसको हम रिटर्न ऑफ एसेट्स इसमें से निकाल सकते हैं कि हमने कोई भी अगर एसेट खरीदा है। उदाहरण आप, जैसे आपके लिए मैं बात करूं, आपने कार खरीदी तो आप कार का इस्तेमाल करते हैं मान लीजिए बिजनेस के लिए, या निजी तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, तो हालांकि निजी तौर पर तो रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज टर्म्स में निकालना मुश्किल है, पर अगर आप बिजनेस के लिए कोई चीज ले रहे हैं तो आप उसके मुनाफे का आकलन करके, उसकी सेल का आकलन करके, उसके रेवेन्यू का आकलन करके आप उसका रिटर्न ऑफ एसेट्स निकाला जाता है। फॉर्मूला इसका सीधा सीधा होता है कि जो आपका प्रॉफिट आया
उसको आप डिवाइड करिए जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करी है, वो नीचे जो रिमाइंडर आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा, वो आपका आरओए बन जाएगा। वैसे जनरली हम लोग आरओआई की बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के, पर ठीक है रिटर्न ऑफ एसेट्स को भी हम एक तरह से देख सकते हैं। जी कैशबैक के बारे में भी पूछ रहे थे, क्या कैशबैक? कैशबैक तो बहुत सारे टर्म्स में यूज होता है। कैशबैक सबसे पॉपुलर जो आजकल कैशबैक है, मुझे लग रहा है जब आप शॉपिंग करने जाते हैं और खरीदारी करने जाते हैं, या कोई कूपन्स मिलते हैं आपको, कैशबैक के कूपन्स मिलते हैं, कैशबैक तो क्रेडिट कार्ड पे। कैशबैक तो जितेंद्र एक जनरल टर्म है जो कि एक स्कीम की तरह यूज किया जाता है, जहां पर कस्टमर्स को लुभाया जाता है अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। एक तरह से सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है, एक प्रचार की भी टेक्निक है कि आप कस्टमर्स को कैशबैक दें। बड़ा अच्छा लगता है, आपने मान लीजिए 1000 रुपये खर्च किए और आपको 50 रुपये कहीं से वापस आ गए। कुछ तो फिल्म की टिकटों पे मुझे दिखाई देते हैं, कुछ ऐप्स हैं, आप फिल्म की टिकटें बुक कराएं आपको कैशबैक मिलता है। तो ये एक इंसेंटिव दिया जाता है ग्राहकों को सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा या वेंडर के द्वारा कि आप बार बार उनके पास आए, एक लॉयल्टी आप उसको समझ लीजिए स्कीम, जिसके जरिए आपको वापस बुलाना चाहता है, क्योंकि आता हुआ कैश बड़ा मीठा मीठा सा कई बार लग रहा है, चाहे छोटा ही हो। जी गुरुनाथ फ्रॉम थाने जॉइन्स अस, वार्म वेलकम गुरुनाथ। सर नमस्कार। नमस्कार सोनी सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। सर मेरा क्वेश्चन था, अभी जो आरबीआई ने जो डिसीजन लिया था 2000 का नोट पीछे लेने का, जी सर ये जब से मतलब एक बैंकों में जमा करने का सिलसिला जारी रहा, तो उन्होंने जो आंकड़े डिक्लेयर किए थे कि 85% तक लोग जमा हो चुके हैं जी, सर ये मतलब 1,60,000 करोड़ के करीब ये सर्कुलेशन में थे, तो सर क्या मतलब ये जो बाकी के नोट जमा नहीं हो पा रहे हैं, तो ये लोगों के पास ये ब्लैक मनी पकड़ के चले हम? गुरुनाथ जी पहली बात तो ये करीब 3 लाख, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है, 3,64,000 करीब के 2000 के नोट सर्कुलेशन में थे, जिसमें से अभी जो आरबीआई की पॉलिसी आई परसों उसमें उन्होंने बताया कि 87% वापस आ चुके हैं, तो अब थोड़े से 13% के करीब रह गए। अगर मैं 3,62,000 का 64,000 का 13% निकालूं तो शायद वो मुश्किल से 30,40,000 करोड़ आता है। अभी तो समय है, 30 सितंबर तक का टाइम है गुरुनाथ जी, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं परसेंटेज बढ़ रही है, लोग उसको वापस जमा करा रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई कालाधन होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें इसलिए वो मैं कह रहा हूं कि उसमें बदली करने का भी प्रावधान है, तो अगर वाकई में किसी के पास कैश है और वो कैश ही रखना चाहता है, मैं उस पर कमेंट नहीं करता कि काला धन है या सफेद धन है, तो आप बदले में जाके उसके 500 के नोट लोग लेके रख लेते हैं। और पर अगर आप आंकड़ों पे जाएं, इसकी स्टैटिस्टिक्स पे जाएं जो आरबीआई ने प्रोवाइड करी, कि ज्यादातर नोट लोगों ने बैंकों में जमा कराए, जो बदलने वाला था सिलसिला वो बहुत ही कम रहा। इस एग्जैक्ट परसेंटेज इस समय मेरे पास नहीं है, पर ये मुझे पक्का यकीन है कि करीब 80-90% जो हैं वो जमा हो गए बैंक। इनका इसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ गई, जबकि बैंक ने एक स्पेसिफिक सीआरआर अभी पॉलिसी में अनाउंस किया कि सीआरआर इंक्रीमेंटल बेसिस पे 10% आपको उस पैसे पे रखना पड़ेगा, तो बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ गई, क्योंकि बैंकों के पास ये एडिशनल 2.25 लाख करोड़ रुपया बल्कि ज्यादा आ चुका है। तो बाकी के आएंगे गुरुनाथ जी वापस, ये और ये वो चर्चा हम जब करेंगे जब 30 सितंबर निकल जाएगी, जो इसकी डेडलाइन है, उसके बाद गुरुनाथ जी फिर जुड़िएगा, फिर चर्चा करेंगे क्या खोया क्या पाया, कितना जमा हुआ कितना रह गया, और जो रह गया वो आखिर कहां दबा के रखा हुआ है, आप और हम मिलकर ढूंढेंगे जी। और भिलाई से हमारे श्रोता रविन्द्र नारायण जी लाइन पे हैं। रवि नारायण जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। थैंक यू मार्केट मंत्रा, और गुड इवनिंग डॉक्टर कोहली। गुड इवनिंग रवि सर। अभी एक सवाल के जवाब में आपका जो डेट सर्विसिंग के कॉन्टेक्स्ट में मेरा सवाल मेरे दिमाग में था, अभी जैसे ग्लोबल रिसेशन का जो सिनेरियो है उसमें जो है, और हमारा जो सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर का जी, तो उनकी क्या हालत है, और डेट सर्विसिंग से मेरा कोई क्वेश्चन आया कि अभी जैसे रिसेशन और हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो स्लंप है उसके चक्कर में हमारी क्या हालत रहेगी और हम कैसे इसको इससे पार पाएंगे? देखिए पहले आपने आईटी सेक्टर का पूछा रवि जी, आपका आकलन बिल्कुल ठीक है, आईटी सेक्टर थोड़ा सा इस समय प्रेशर में है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी स्पेशली, क्योंकि हमारे ज्यादातर आईटी कंपनीज के जो ग्राहक थे वो अमेरिका से आते हैं या यूरोप से आते हैं, विकसित देशों से ज्यादा आते हैं, हालांकि हम पूरे दुनिया को हम लोग आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा प्रेशर में है नो डाउट। और अभी आपने रिजल्ट्स देखे हो, आईटी कंपनीज के मिले जुले से रिजल्ट्स आए हैं, कुछ एक कंपनीज के रिजल्ट्स संतोषजनक हैं, कुछ एक के नहीं संतोषजनक है। बिल्कुल अगर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर रहता है तो आईटी सेक्टर भी उसकी मार खाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी कुछ टाइम तक मुझे लग रहा है कि जब तक अभी यूएस में इलेक्शंस भी हैं और यूएस से जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो भी मिले जुले आते हैं, कभी महंगाई के आंकड़े ठीक आ जाते हैं, कभी ऐसा लगता है अभी ब्याज दर और बढ़ेंगी
और स्लो डाउन अगर ब्याज दर बढ़ती है तो इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा तो फिर आईटी सेक्टर पे प्रेशर आएगा। और डेट सर्विसिंग की आपने बात करी, अगर आप डेट सर्विसिंग अमेरिका के पूछ रहे हैं तो वहां तो हालत बहुत अच्छी तो नहीं है इस समय, क्योंकि उनकी जीडीपी से बढ़ के 33 ट्रिलियन डॉलर की उनकी टोटल डेट है इस समय, जो कि उनकी जीडीपी से कहीं ज्यादा है। भारत की जहां तक डेट सर्विसिंग की बात है, भारत में डेट सर्विसिंग की परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं और भारत में कोई ऐसा डेट संकट नहीं मंडरा रहा है सरकार पर या निजी क्षेत्र पर भी, क्योंकि हमने अपने एनपीएस को काफी अच्छा मैनेज किया है, कुछ बैलेंस शीट एडजस्टमेंट्स करी हैं, एनपीएस बैंकों में भी सफाई हुई है और बैंकों की बैलेंस शीट भी हेल्दी नजर आ रही है। आपको अगर आप स्टॉक मार्केट फॉलो करते हैं तो आपको बैंक निफ्टी एक सूचक है इस बात का कि बैंकों की हालत बेहतर है। तो मुझे भारत में तो डेट सर्विसिंग की कोई ऐसी मुझे फिलहाल समस्या नहीं नजर आ रही, पर वैश्विक स्तर पर यह बात ठीक है, क्योंकि रेटिंग अभी फिच ने रेटिंग अमेरिका की डेट सर्विसिंग को लेकर नीचे करी थी उसको, और प्लस उन्होंने फिर बैंकों के ऊपर, हमने मूडीज का मूड देखा कि वो ठीक नहीं था। तो अमेरिका में थोड़ा सा डेट का संकट मुझे नजर आता है, हम उम्मीद करते हैं क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, उम्मीद करते हैं कि संकट गहराए नहीं, क्योंकि अगर संकट गहराता है तो हम सब जानते हैं अमेरिका छींक मारता है तो जुकाम बाकी की दुनिया को लग जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वहां छींक ना ही आए तो अच्छा है। जी, फ्रॉम मुंबई वी आर जॉइंड बाय रत्नाकर, वार्म वेलकम रत्नाकर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, मेरा सवाल है कि ये जो अभी भारत की चारों तरफ प्रगति हो रही है और अगले 5 साल में वो तीसरे स्तर पर जाएगा इकोनॉमिक्स के वास्ते, लेकिन मेरा मेन सवाल है कि अभी जो महंगाई की जो स्थिति है, महंगाई वैसी कम होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में लास्ट 4 इयर्स में महंगाई की स्थिति और एम्प्लॉयमेंट का जो बढ़ना चाहिए उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, महंगाई तो रत्नाकर जी हमने बाकी की दुनिया से अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो हम बाकी दुनिया से बहुत अच्छे हैं। हमने अमेरिका में कहा महंगाई दर 10% चली गई थी, यूरोप में 10% से ऊपर चली गई थी, अमेरिका में 8% से ऊपर चली गई थी, और भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी और भारत जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी में हमने महंगाई दर को अभी भी 5% से नीचे हम ले आए हैं आरबीआई के मदद से, और भी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। तो मुझे लग रहा है अभी फिलहाल महंगाई की पोजीशन भारत में अच्छी है, और भारत मुझे अगले 5 साल में, ये जो बाकी का दशक है और अगला कम से कम 10-12 साल भारत के लगते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई की वजह से रत्नाकर जी भारत में कोई दिक्कत आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है। ओवरऑल अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी भारत इस समय दुनिया की 5वीं है, 3री बनने की तरफ हम अग्रसर हैं, तो मुझे लगता है भारत का भविष्य उज्ज्वल है। और एक भारतीय होने के नाते मुझे तो गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे देश में इस समय हैं, कहां एक समय लोग बाहर जाने की बातें करते थे कि वहां जाके सेटल हो जाएं, यहां कुछ नहीं रखा है वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी बातें। पर अब मैं उन लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं, अगर आप भारत में रहते हैं तो आप दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे ऑप्टिमिस्टिक और सबसे आशावादी और सबसे प्रगतिशील जगह में आप इस समय रहते हैं, जिस बात का हमें एक भारतीय होने के नाते फख्र होना चाहिए। Shankar, the RBI also revised the FY24 CPI inflation from 5.1 to 5.4. That is because I think these food prices on and off, it's a very seasonal phenomena in India. You know, we see tomatoes, we are now looking at onions also. You know, so the supply disruptions are there because our country is vast. It's primarily agriculture driven. There are logistic issues. Sometimes there are floods. Sometimes there is a drought. So I think these are seasonal changes. I think because of the seasonal changes, I think RBI has revised on a conservative side, I would say, yeah. Rajesh. Yeah. Okay. Moving on, the External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, has said that during the G20 meeting, India is trying to put forth the concerns of the global south at the world stage. He said that due to economic pressure, many countries in the region have not been able to continue their economic progress and are struggling to meet their sustainable development goals. In an exclusive interview with Akashwani, Dr. Jaishankar said that climate change is one of the major impediments in the development process of these countries. He said the developed nations must come forward to fulfill their commitments towards developing countries by providing funds and green technologies to ensure a level playing field. And on the Wall Street, the S&P 500 and the Nasdaq Composite fell yesterday as hotter than expected U.S. producer price data pushed Treasury yields higher and sank rate-sensitive mega-cap growth stocks.
The U.S. government reported that the Producer Price Index, PPI, climbed 0.8% in the 12 months leading to July, up from 0.2% rise in the previous months as cost of various services increased. Yield on the two-year U.S. Treasury note that moves in line with near-term interest rate expectations climbed to 4.88%. So the Dow Jones Industrial Average gains 105 points or 0.3% to close at 35,281, but the S&P 500 lost 5 points or 0.1% to end at 4,464, and the Nasdaq composite dropped 76 points to 13,645. और दिल्ली से हमारे श्रोता संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं. संजीव जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. नमस्कार सर, कोहली साहब को साक्षात देखने का मौका मिला दो दिन पहले और इनको सुन रहे थे एमएसएमई प्रोग्राम में, मैं भी वहां पर था. इनको आज जो मेरा एक पेन है जो मैं बताने जा रहा हूं, पर उस इवेंट में जहां पर प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगी हुई है और इंडिया के हार्ट में वो इवेंट हो रहा था, वहां दो पुलिस वाले आए, वो करप्शन पैसे मांग रहे थे. जी वो ठीक है सर, द पॉइंट हैज बीन टेकन बाय डॉक्टर कोहली. आपका कोई प्रोग्राम से रिलेटेड सवाल है? नहीं सर, ये दर्द है कि इसको छोड़े ना. अच्छा ठीक है, ओके जी. Mr. K.S. Jena now joins us from Noida. A warm welcome. Please go ahead and ask your question. मेरा सवाल ये है कि अभी हमने रशिया से ऑयल लिया है इतना सारा और उसके बाद बहुत सारा रूपीज इकट्ठा हो गया, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जैसे मार्केट में पड़ रहा था वो उसको यूज नहीं कर पा रहे, मीन्स वी आर अनेबल टू एक्सपोर्ट देम इन रिटर्न विद दिस रूपी. ऐसा क्यों है? वाई वी आर अनेबल टू एक्सपोर्ट टू दैट कंट्री? Well, I think, Mr. Jena, efforts are being made to even out this imbalance, which has been created of accumulation of rupee in these special watchdog accounts, you very rightly said. I was with a Russian delegation yesterday morning, and they told me that efforts are being made to make more investments in India and also consider stock market investments in India where these rupees can be used. So there's a lot of effort being made, Mr. Jena, on part of the Russian government and the Indian government. The best way for India is to start exporting more. तो एक बल्कि एक कमेटी बनी है जो कि रूपी को ग्लोबल बनाने के लिए स्पेशल गठन किया गया. वो कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार हम और देशों में भी रूपी की मान्यता लाएं, और उस मान्यता के लाने से क्या होगा कि ये रूपी इंटरनेशनली भी यूजफुल हो जाएगा. अगर कहीं इकट्ठा होता है तो इसको दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, रशिया इसको कहीं और इस्तेमाल कर सकता है, और प्लस रशिया इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर कर रहा है, रशिया स्टॉक मार्केट्स का भी सोच रहा है, तो दोनों देशों की तरफ से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं इस इम्बैलेंस को. पर मैं आपकी जानकारी की सराहना करता हूं जना साहब, आपने स्पेशल वॉचडॉग अकाउंट्स का यहां पर जिक्र किया. जी और बेंगलुरु से हमारे श्रोता एनआर प्रसाद जी लाइन पर मौजूद हैं. प्रसाद जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. हाई, गुड इवनिंग, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर. Mr. Kohli, only one question. About 10-15 days back, finance minister made some changes in the metal sector. So my question is, in case we invest in those metal industries post these changes, would it yield good results maybe in the next 6 months to 1 year? Absolutely, Mr. Prasad, since we are running out of time, so I'll be very crisp in answering. Yes, it would definitely benefit you, metal sector, in the long term, because metal after all is a product of ores, it's a product of mineral deposits which is very limited. So I think you should look at a horizon of 3 to 5 years to make profits from this sector, Mr. Prasad. Very quickly, what's your take on in the coming week? I think the coming week looks extremely volatile to me, because the market is just market is now contemplating interest rate hikes by the Fed. So I think those reactions would be there. Some geopolitical news also coming in from North Korea and other regions. So there are mixed factors which are going to drive the market. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. शरद कोहली जी इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच शरद. बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन. Addressing the G20 anti-corruption ministerial meeting, Prime Minister says India has a strict policy of zero tolerance against corruption. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India is trying to put forth concerns of the Global South at the world stage through G20 meetings. And on Wall Street, key indices end mixed on hotter than expected producer prices data. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Mantra.
Market Factor.